हेलो गाइस, क्या हाल है यार? और क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सब बढ़िया, मस्त चल रहा है कि नहीं यार? आज हम लोग बात करने वाले हैं यार स्ट्रीमिंग के बारे में, ठीक है? देखो यार, स्ट्रीमिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका टाइम बहुत लेती है, ठीक है? यहाँ पर मैं स्ट्रीमिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ यार, ठीक है? पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अब मैंने गेमिंग छोड़ दी है। जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, तो मैं बस उन्हीं वीडियोस के बाद उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे यार स्ट्रीमिंग के बारे में। बेसिकली यार, स्ट्रीमिंग व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड, अगर आपको गेमिंग शुरू करनी है, ठीक है, अगर आप एक स्ट्रीमर बनना चाहते हो, क्या आपको स्टार्टिंग में स्ट्रीमिंग करना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? देखो यार, अब ये जो ये पर्सपेक्टिव है ना, ये अगर आप अपने तरीके से सोचोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप स्ट्रीमिंग में टाइम दे सकते हो, तो आप स्ट्रीमिंग करो, बट सबकी तरह नहीं, ठीक है? यार स्ट्रीमिंग तो हर कोई कर रहा है। अगर आप कुछ यूनिक ला सकते हो स्ट्रीमिंग में, तो आप स्ट्रीमिंग करो। अगर आप इंटरेक्शन बना सकते हो, ठीक है, अपने व्यूअर्स के साथ, उनको कंसिस्टेंटली ग्रैब करके रख सकते हो काफ़ी देर तक, तब आप स्ट्रीमिंग करो। और अगर नहीं कर सकते तो फिर भी ये वीडियो देख लो, ठीक है? क्या पता आप अपना जो जो नज़रिया है स्ट्रीमिंग करने का, वो शायद बदल दो, ठीक है? क्योंकि बट स्टिल यार, एट द एंड ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। खैर एनीवेज, चलो यार अभी हम लोग आते हैं यूट्यूब पे, ठीक है? वैसे मैं बता दूं यार, मैं पिछले 2 साल मैंने स्ट्रीमिंग शुरू करा था, आई थिंक 14 अक्टूबर 2018 में, ठीक है? और मैंने स्ट्रीमिंग करी 2020 तक। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उतनी मेहनत नहीं करी, हालांकि मैंने स्ट्रीमिंग करी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? बट मैंने उतना अच्छे से कंटेंट को टाइम नहीं दिया, इसलिए मैं ग्रो नहीं कर पाया, और इसका मुझे दुख नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने चीज़ें ट्राई करी, एटलीस्ट देखो चीज़ें ट्राई करना एक अच्छी बात है, बट उसी चीज़ पे अड़े रहना कि यही करना यही करना यही करना है, फिर आप उसमें अपना टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है? वो चीज़ अगर आपको जल्दी समझ में आ जाती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है? खैर, अगर हम लोग बात करते हैं, चलो देखो यार, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना अपने इंडिया में, वो है गेम्स को लेकर। हर कोई गेम स्ट्रीम होती नहीं है अपने इंडिया में, पहली बात तो, ठीक है? और जो कुछ गिनी चुनी गेम है, लोग अगर जैसे मान लो कोई गेम आई, पॉपुलर हो गई, तो लोग उसी पे अटके पड़े, ठीक है? लोग उसी पे अटक गए। मतलब अगर वो स्ट्रीम कर रहा है वो वाली गेम, तो मैं भी वो वाली गेम स्ट्रीम करूंगा। अगर उसकी 1000 की वॉचिंग है, तो मेरी भी 1000 की आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता यार। अगर उस पर्टिकुलर गेम पे अगर उसकी 1000 की वॉचिंग आ रही है, और अगर आप भी वही गेम खेलते हो, अगर आपको भी वही वॉचिंग चाहिए, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है? सब अपने तरीके से ग्रो होते हैं यार। बट हाँ, यहाँ पर ये एक बहुत इश्यू है इंडिया में खासकर, वो ये है कि अगर कोई भी एक गेम आती है और अगर वो पॉपुलर हो गई, तो लोग उसी पे अटक जाते हैं, ठीक है? उसके आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आपको सब कुछ पता है यार, एग्जाम्पल अभी क्या देके करना, पबजी मोबाइल को ले लो, आई थी, लोग अभी भी स्ट्रीम करते हैं यार, पता नहीं क्यों, ठीक है? चलो चलो अब देखते हैं, अभी चलो हम लोग बैठ के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? अभी साथ में बने रहो यार, क्या पता कुछ एक आध वीडियोज निकल के आ जाए। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पबजी मोबाइल से ही, ठीक है? पबजी मोबाइल लाइव। जिनकी यार ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो पहले से जो 2018-19 के ग्रो हुए लोग हैं, उनसे उनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है? हम यहाँ पर उन चैनल्स को देखेंगे जिनके सब्सक्राइबर कम हैं, ठीक है, और उनकी वॉचिंग बिल्कुल भी कम है। वैसे चैनल तो यहाँ पर बहुत हैं यार, जैसे देखो एक ये 14 की वॉचिंग है इस बंदे की, और देखें। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, जो नए यूट्यूबर हैं किस स्टेट में या रहते हो? स्टेट बताएं जिनको आप अपना। पबजी मोबाइल से ग्रो होना है, वो स्ट्रीमिंग आई थिंक नहीं कर रहे हैं। जैसे ये बंदा है, 18-19 की वॉचिंग है। तो यार देखो, अभी ये यूट्यूब खोल दोनों के पे, अच्छा दोनों पे दिखाना खरीदना है। इसको तुम भूल जाओ, ठीक है? यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप स्टेबल हो, स्टेबल इन द सेंस, अगर आपके फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप दिन भर तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है? तो आपके पास 2 या 3 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें आप गेम्स खेल सकते हो, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली में टाइम है। बट
उन लोगों से पूछो जिनके पास टाइम नहीं है, जस्ट लाइक मी, मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप टाइम दे सकते हो यार, एक कंसिस्टेंट टाइमिंग, ठीक है, अगर आपने अपने लाइक व्यूवर्स को कमिट करके रखा है कि मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक हर दिन स्ट्रीम करूंगा, तो मेरे भाई स्ट्रीम करो, ठीक है, तब तुम स्ट्रीम करो। अगर तुम वो चीज़ कर सकते हो, अगर आपने 9 से 12 या 9 से 10 स्ट्रीम कर सकते हो, तो भाई 1 घंटा करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट उस टाइम पे तुम फिक्स रहो, ठीक है, वो टाइम अपना इधर उधर मत करो, ठीक है। आप ये कर सकते हो। मेरे पास, मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने स्ट्रीमिंग छोड़ दी, और मेरे पास टाइम भी नहीं है ना गेम्स खेलने का, मैंने कम्प्लीटली ये गेम को स्किप कर दिया। और मैं क्यों किया है ये भी मैं बता दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं यार उसमें, ठीक है। एट दी एंड हमारा पॉइंट यही है कि यार, अगर आपको स्ट्रीमर बनना है, देन स्टिक टू योर शेड्यूल, स्टिक टू योर प्लान। अगर आप 3 घंटा स्ट्रीम करते हो तो करो 3 घंटा, 2 घंटे करते हो तो 2 घंटे करो, मगर फर्जी टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये वही बात हो गई ना कि अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, आप अटेम्प्ट किए पड़े हो, अटेम्प्ट किए पड़े हो, तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके जो ईयर्स हैं, जो एक्चुअली जो काम करने वाले जो आपके ईयर हैं, जो साल हैं, वो भी निकल जाएंगे। तो इसलिए इसको भी आप गेमिंग में अप्लाई करके देख लेना, ठीक है, अगर आप गेमिंग किए पड़े हो, अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट लास्ट टाइम है, मैं एक लास्ट और बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं करियर बनाऊंगा गेमिंग में, आप ऑफ कोर्स बना सकते हो, बट इसको एज अ लाइक, इस पर डिपेंड मत हो जाना, ठीक है, इस पर आप डिपेंड मत हो जाना कि भाई गेमिंग में करियर बन जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है। और जो लोग आपको देख, मतलब जो लोगों को आप देख रहे हो, जो स्ट्रीमर्स हैं जो ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं, ठीक है, तो प्लीज उनसे इंस्पिरेशन लो, बट उनकी तरह बनने की कोशिश मत करो, आप अपने यूनिक वे में ग्रो हो जाओगे, चलेगा, बट इसको, मतलब वही जैसे मैंने बोला एज अ करियर, तो इसको भाई, इस पर डिपेंड मत रहना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अभी आप देख रहे हो गेम अभी तक नहीं आई है, बहुत से लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कब आएगी, तो कब मैं कॉम्पिटिटिव में जाऊंगा, ठीक है। तो ये है, और आई होप यार, देखो कोई स्क्रिप्ट वीडियो नहीं है, ठीक है, तो जो मुंह में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है।